अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स एक्सरसाइज नंबर 4B and 4C टॉपिक है जी इंटीजर्स 8th of May 2020। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी 11 -6 -27 -14 +111 -201। ठीक है, 879 -389 -400 -509। -726 -+329। ठीक है जी, क्वेश्चन निकल किए मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था जब प्लस और माइनस के क्वेश्चन होना। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। मीन्स टू से प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस वाला आया तो प्लस माइनस माइनस होगा, मीन्स हम माइनस कर देंगे। साइन कौन सा यूज करेंगे? साइन हम लेंगे जी बड़ी वैल्यू का। साइन कौन सा आएगा? बड़ी वैल्यू का। किस क्वेश्चन में? प्लस और माइनस के क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले हैं तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड क्वेश्चन में प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। देखिए जी, अब ये क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट सिंगल कर दी मैंने, प्लस 11 -6 प्लस माइनस माइनस। इस क्वेश्चन में कहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं है, तो क्वेश्चन क्या ये वाला है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। इसे माइनस कर दिया, 11 -6 5 आ गया साइन बड़ी वैल्यू का। ठीक है, अब देखिए जहां डबल साइन और सिंगल कर लो, उसे साइन मल्टीप्लाई होकर सिंगल होते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 27 से 14 -13 आता है साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 27 है तो साइन माइनस का आ गया। 111 -201 इसमें से ये माइनस कितना आता है? 90। प्लस कुछ है? कुछ नहीं है ना, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस कर दिया साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 201 है तो माइनस का साइन आ जाएगा। -400 + 509 + -माइनस होगा, माइनस कर दिया साइन बड़ी वैल्यू का। -726 - 329 + माइनस माइनस हो गया। अब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस, इन्हें हम करेंगे प्लस। 1055 साइन कौन सा आएगा? बड़ी वैल्यू का। अब 879 + -389 यहां साइन था प्लस का, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसे हम माइनस कर देंगे, कर दिया 490 आ गया साइन बड़ी वैल्यू का। ठीक है, अब मैं थोड़ी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस नजर आए कि एक्सरसाइज 4B और 4C में क्या है। ये देखें, ये सारा क्वेश्चन मेरा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह लिख दूं, मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाले, क्वेश्चन मेरा ये बन गया। ठीक है, जहां कुछ ना हो वहां प्लस होता है। देखें, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन के अंदर हम साइन मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस माइनस माइनस लगा दिया और बाद में वैल्यूज भी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 66। उसमें बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू नहीं देखनी, जो साइन को मल्टीप्लाई करवाने से आएगा हम उसको देखेंगे बस। फर्दर क्वेश्चन दबाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा क्लियर हो जाए। सिर्फ प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन में हमने साइन बड़ी वैल्यू का देखना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड क्वेश्चन में क्या देखना होता है? साइंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसलिए मैंने 4C साथ इन्वॉल्व किया है। यदि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग टर्म्स, जैसे कॉमा डाल दिया और लिख दिया कि मल्टीप्लाई करवाए, तो हम मल्टीप्लाई इस तरह करवाएंगे इसको। ठीक है, प्लस माइनस माइनस लगा देंगे,
बड़ी वैल्यू को नहीं देखना होता है यहाँ, सिंपल मल्टीप्लाई कराएं 102 × 73 7446 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जी 57 × −37 कुछ ना हो तो प्लस होता है, अगेन प्लस माइनस, माइनस 57 को 37 से मल्टीप्लाई करवा देना 2109 ठीक है जी। अगेन लिखता हूँ −4/4 ये मैंने पास से क्वेश्चन लिखा, प्लस माइनस, माइनस का साइन लगा दिया, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, तो −1 मेरा आंसर होगा ठीक है। अब देखें जी −50/−2 माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा और 50 को 2 पे डिवाइड कर देंगे 25 आंसर आ जाएगा ठीक है, समझ आ रही है। अब देखिए −50/2 लिख दूं अगर मैं तो क्या होगा, कुछ ना हो तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 50/2 डेट इज −25 मीन्स डिवाइड और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में साइन आपस से मल्टीप्लाई होते हैं, बड़ी वैल्यू का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। थैंक यू।